अल्मोड़ा में इंटरसिटी बस सेवा की शुरुआत हो गई है। डीएम विनीत तोमर और नगरपालिका अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बस सेवा की शुरुआत की है। बता दें कि लोअर मॉल रोड बेस करवला और अल्मोड़ा नगर में संचालित होने वाले इन बस से महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिलेगी। 18 सीटर इस बस का किराया 10 से 25 रुपये है, जिसमें बस संचालक से टैक्सी वाहनों के मनमानी वसूली पर रोक लगेगी। इंटरसिटी बस सेवा शुरू होने के बाद से टैक्सी चालकों ने इसका विरोध भी जताया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। तक जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी जो है नगर के मध्य मार्ग से वहाँ हो चुकी है, इससे जनता काफ़ी परेशान है। जनता की परेशानियों को दूर कराने के लिए एक बस नगर पालिका द्वारा पूर्व में लगाई जा चुकी है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। और आज एक दूसरी बस जो है टैक्सी स्टैंड से लेकर के लिंक रोड होते हुए और एस अस्पताल होते हुए पूरा चक्कर लगा करके करबला से पूरा चक्कर लगा करके वो यहाँ पर आएंगे, और इससे लोगों को बहुत सुविधाओं सुविधाएँ मिलेंगी। देखिए, शहर में काफ़ी समस्याएं रहती हैं। एक तो हमारा वनवे रहता है, उससे भी आवाज की समस्या होती है, पार्किंग का भी अभाव रहता है। लोगों को सुविधा होगी इससे, और कई बार काफ़ी मुश्किल होता है कि मार्केट से बेस हॉस्पिटल जाना है या आगे हम निकल गए और वापस हमें मोड़ कर आना है। तो हमारी ये लोअर माल रोड अर्बन माल रोड पर ही बस चलेगी, बेस हॉस्पिटल करबला होते हुए किराए तक जाएगी, तो इसमें लोगों को काफ़ी सुविधा भी रहेगी और आवागमन भी सुविधा जाएगी।